अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रेड चोरी की दाल की रेसिपी। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ले ली है 1.5 कप रेड चोरी की दाल, और इसमें जो है मैं तकरीबन डालूँगी 5.5 कप पानी, और साथ में सिर्फ मैं नमक और हल्दी डाल के इसको जो है प्रेशर कुकर में गला लूँगी, और इसका तड़का जो है अलग से तैयार होगा। तो सबसे पहले हम अपनी दाल को गला लेते हैं और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है ऑयल का भी डाल दिया है। तो अब इस दाल को जो है मैं प्रेशर कुकर में गला लूँगी, तकरीबन मैं 15 मिनट का प्रेशर लगाऊंगी। आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से जो है दाल को गला लें। अब आप देख सकते हैं कि दाल जो है वो गल रही है अलग से। तो मैंने एक पैन में ले लिया है ऑयल, अब इसको मैं होने देती हूँ गर्म, और अब हम बनाएंगे इसका तड़का। तो सबसे पहले जब तक ऑयल गर्म हो रहा है मैं आपको चीज़ें दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड, कुछ कड़ी पत्ते हैं, और साबुत लाल मिर्च और हींग है मेरे पास 1/4 टीस्पून। और मैं मसालों में डालूंगी हल्दी पाउडर, इधर लाल मिर्च का पाउडर है 1.5 टीस्पून है, और ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून। हल्दी मैंने ऑलरेडी डाली थी, तो 1/4 टीस्पून हल्दी, और 1/2 टीस्पून मैंने ले लिया है सॉल्ट का, और 2 टमाटर लेके उनकी मैंने ऐसे बना ली है प्योरी, और साथ में मैंने एक जो है दरमियाना प्याज लेके उसको इस तरह चॉप कर लिया है, और साथ में इसमें शामिल करने वाली हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। तो अब जो है हमारा ऑयल गर्म होता है, तो उसमें हम सबसे पहले अपने तड़के की चीज़ें शामिल कर देते हैं और इनको थोड़ा सा कड़कड़ा लें कि ये अरोमा अपना जो है ऑयल में रिलीज़ कर ले। उसके बाद मैं अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको 1 मिनट के लिए हम थोड़ा सा भून लेते हैं ताकि इसकी रॉ स्मेल चली जाए, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब मैंने जो है प्याज इसमें शामिल कर लिया है, और इसको जो है थोड़ा सा हम भून लेते हैं कि प्याज जो है अपना हल्का सा कलर जब चेंज करने लगेगा तो फिर हम इसमें तमाम चीज़ें ऐड करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि प्याज जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होने लगा है, तो बस हम इसमें आप शामिल कर देंगे टमाटर की पेस्ट, वो मैं शामिल करती हूँ। मैं शामिल कर दी है टमाटर की पेस्ट, और इसको डाल कर थोड़ा सा पका लेते हैं, और साथ ही फिर मैं इसमें तमाम जो है अपने ड्राई इन्ग्रीडियंट्स जो मसाले हैं उनको शामिल कर देती हूँ। देख सकते हैं मसाला अच्छा सा भुन गया है, तो इसमें शामिल करूँगी मैं 2 टेबलस्पून भर के हैवी क्रीम। आपके पास कोई भी क्रीम हो आप शामिल कर लें, और ये ऑप्शनल है, नहीं भी शामिल करना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि दाल जो है बहुत बेहतरीन जो है गल चुकी है, तो और हमारा मसाला भी बहुत अच्छा सा जो है भुन चुका है। तो बस अब इस मसाले में मैं इस दाल को शामिल करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए दाल भी जो है अच्छी सी मिक्स हो गई है। अब यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना थिक और कितना जो है पतला रखना चाहते हैं उसकी ग्रेवी को, तो उस हिसाब से आप इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। तो मैं इसमें जो है एक छोटा ग्लास जो है इसके पानी का शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसको थोड़ा पतला करना चाह रही हूँ। तो अब इसको अच्छा सा एक उबाल आ जाएगा, फिर ढक के इसको 5 से 7 मिनट तक मैं अच्छा सा पकने दूंगी, और उसके बाद जो है फिर मैं आपको इसका जो है आगे दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं इसको मैंने लो हीट पे जो है 5 मिनट मज़ीद दम पे पका लिया था, ऑयल सारा इसके ऊपर आ चुका है। तो बस अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी गरम मसाला पिसा हुआ, और इसके साथ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हरा धनिया और हरी मिर्चें, ये शामिल कर देते हैं, और इसको कर लेती हूँ मिक्स। और मिक्स करने के बाद मैं करती हूँ डिश आउट, और डिश आउट करके मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी मज़ेदार रेड चोरी की दाल बनके तैयार है। इसके ऊपर मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च, थोड़ा सा गर्म मसाला और मक्खन के एक छोटे से पीस से इसको किया है गार्निश। तो ये हमारी मज़ेदार रेड चोरी की दाल बनके तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नई रेसिपी के साथ आपसे मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।